हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल घेर पंजाबी पटियाला, जिसके लिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा पूरा 4 मीटर कपड़ा है और सबसे पहले हम इसे किनारे की साइड से, अर्थ की साइड से दो लेयर में रखेंगे, जिससे अपनी बेल्ट निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ से अपनी बेल्ट लेंगे, उसके लिए हम 9 इंच कपड़ा लेंगे। बेल्ट जो हमारी तैयार होगी वो हमारी 7 इंच की होगी, तो इसके लिए यानी 9 यानी 9 इंच कपड़ा हम यहाँ से लेंगे। और जो हमारी हिप का मेजरमेंट है वो है 32 इंच, तो उसके लिए हम इसमें कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा। 32 का आएगा 16 यानी कि 16 इंच, और इसमें हमने इसमें 20 इंच कपड़ा है ये हमारा 20, तो इतना ही ले लेंगे, काफ़ी है इतना हमारा। और अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो और बेल्ट में कपड़ा जॉइंट कर लें। इसको हमें बेल्ट को इतना ही कट करना है। अब इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। अभी बेल्ट के लिए कपड़ा हमने कट कर लिया है, उसके बाद इसमें से हमें पार्ट निकालनी है अपने। अब देखिए, ये हमने दो लेयर में कपड़ा कर लिया है और इसको इस तरीके से फोर लेयर में करेंगे। इसमें से अपने पार्ट निकालेंगे, जितने भी आपको पार्ट चाहिए उस हिसाब से ये फोर लेयर में कर लें। हम इससे 8 इंच की चौड़ी पार्ट निकालेंगे यहाँ से, और इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो तैयार सलवार की होगी हमारी 40 इंच, और इसको लेंगे हम 34। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 7 इंच इसमें तैयार हमारी बेल्ट होगी, तो ये 34 इंच लेंगे यहाँ से। इस कपड़े को हम अलग कर देंगे यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी अलग कर लेंगे। इसमें से हम अपने पांचे बनाएंगे और ये जो जॉइंट है इसको भी अलग कर लेंगे। ये हम अपने पांचे के लिए अलग रख लेंगे, और ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। कपड़ा हमारा फोर लेयर में था तो ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब जितना भी कपड़ा हमारा बचा है टोटली कपड़े को हमें दो लेयर में रखना है। अब ये देखिए, पूरे कपड़े को हमने दो लेयर में कर लिया है, और 8 इंच इस कॉर्नर पे हमने आसन का निशान लगा लिया है, और 8 इंच का इस कॉर्नर पे। पूरा कपड़ा कैमरे में कवर नहीं हो रहा था तो इस वजह से पहले हमने निशान लगा लिया है, और यहाँ से हमने इसे तिरछा निशान लगा लिया है। जैसे हम कली की कट करते हैं उसी तरीके से ये हमने कली को मार्क किया है, और यहाँ से ये जॉइंट है इसको भी खोल लेंगे पूरे को। अब इसे कट कर लेंगे। अभी इसी तरीके से हमने कट कर लिया है, और पार्ट भी इसकी और बेल्ट भी कट हो चुकी है। अब इसको सिलना बताएंगे। अब देखिए, इसको यहाँ से बेल्ट बनाना है। सबसे पहले ये कपड़ा हमारा दो लेयर में है, और इसे यहाँ से 1/2 इंच सिल लेंगे सबसे पहले, और फिर इस धागे को इस तरीके से खींचेंगे और 1 इंच इसे खाली सिलेंगे दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए। सबसे पहले हम अपनी बेल्ट बनाएंगे, और इसे यहाँ से ये जो धागा है इसे कट कर लेंगे दोनों साइड से, और इसे खोलेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इन दोनों प्लेट जगह को इस तरीके से कपड़े को खोलेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं हम एक साइड में अभी, और ये जो हमने 1 इंच मशीन को उठा के लिया था यहाँ पर हमारी डोरी की जगह बनेगी। इस तरीके से घुमा के और इसके ऊपर वापस चलाएंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। इस तरीके से हम अपनी बेल्ट बनाते हैं, और अब इसे पहले 1/2 इंच पर एक फोल्ड देंगे और दूसरा 1 इंच का यहाँ पर। देखिए, ये हमारी डोरी के लिए जगह बन गई है, और इसे यहाँ से सिलेंगे। पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पर होगा, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। इसी तरीके से ये हम नाड़े के लिए जगह बनाएंगे, जो हम इसमें डोरी डालेंगे उसके लिए। इसी तरीके से ये हम ऊपर से पूरी बेल्ट को सिल के कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए जो हमारे यहाँ पर डोरी डलेगी, यहाँ पर फ्रंट आसन आएगा और इसको इस तरीके से दो लेयर में करते हुए, और ये पीछे का जहाँ पर बैक वाला आसन आएगा बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, और ये बेल्ट हमारी दो लेयर में है। अब यहाँ पर वो वाला निशान लगाएंगे जो हम प्लेट डालेंगे, यहाँ से हम इसे बीच सेंटर से और 14.5 इंच तक निशान लगाएंगे। अगर आपकी बेल्ट बड़ी है तो इसे 16 से 17 इंच तक भी आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमारी बेल्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम इसे 14.5 इंच तक निशान यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगी। और अब सबसे पहले हम अपनी, ये हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है, अब पार्ट तैयार करेंगे। अब देखिए ये हमारी पार्ट है और यहाँ पर हम अपनी कली लेंगे, कली की हम पार्ट वाली साइड लेंगे और आसन की साइड को छोड़ देंगे। पार्ट वाली साइड से इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे, ये हम इसी तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। मोहरी आएगी और अब इसमें दूसरी कली जॉइंट करेंगे। तो अब की बार हमने कली को ऊपर लिया था और अब की बार कली को नीचे लेंगे, पार्ट को ऊपर, और इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा के इस दूसरी कली को भी इसमें जॉइंट करेंगे। और जिस तरीके से हम ये वाला पैर तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से दूसरे वाले पैर को भी तैयार करेंगे। ये नीचे बॉटम तक ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लेंगे दोनों कपड़ों को एक साथ करते हुए। दोनों आसन, दोनों हमने पैर तैयार कर लिए हैं, अब आसन को जोड़ लेंगे। दोनों को हम इसी तरीके से एक आसन को हम जोड़ रहे हैं। देखिए उल्टे सीधे कपड़े का ध्यान रखें, ये दोनों कपड़े हमारे अंदर की तरफ से सीधे हैं। और अब इसे खोल के दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे इस पर। इसी तरीके से दूसरे वाले आसन को भी हम जॉइंट करेंगे। अब देखिए हमने आसन जॉइंट कर लिए हैं और इस जहाँ पर हमारी डोरी डलेगी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इसकी एक आसन को रख लेंगे, आसन कोई सा भी रख सकते हो, दोनों आसन सेम एक जैसे होते हैं। और अब यहाँ से हम प्लेट भरना शुरुआत करेंगे। इसकी बेल्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हम करीब 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। और कपड़ा हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हमें इस तरीके से उठाते हुए और तब प्लेट को डालना है। हर बार हम प्लेट को इस तरीके से दबाएंगे और फिर से 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। देखिए हमारे 14 इंच वाला 14.5 पर कट आ चुका है और एक प्लेट के लिए हमने कपड़ा रख लिया है जो हम ये बैक में डालेंगे प्लेट, और यहाँ से एक खाली सिलेंगे। ये फुल पंजाबी पटियाला में पीछे की साइड थोड़ा सा कपड़ा ही हम खाली सिलते हैं, ज़्यादा नहीं सिलते हैं, और ज़्यादा घेरे में इसकी प्लेटें आती हैं। अब ये हमारा बैक वाला आसन है और ये हमारा बैक वाला कट है। इस तरीके से यहाँ पर इसे सिलेंगे एक प्लेट डालकर, और एक प्लेट का डायरेक्शन हम इधर की तरफ करके तब लगाएंगे इस तरीके से। और अब उस कट तक हम इसे ऐसे ही सिलेंगे इस तक, और फिर इसमें प्लेटें लगाएंगे। अब यहाँ से प्लेटों का हमें डायरेक्शन चेंज करना है। अब देखिए इसी तरीके से हमें प्लेट लगानी है, लेकिन इनका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। पहले हमने अपनी तरफ लिया था, अब की बार बाहर की तरफ लिया है, और इसी तरीके से हमें 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डालनी है। देखिए प्लेटों को हमें इसी तरीके से अच्छे से सेट करते हुए लगाना है।
हम पूरा बेल्ट लगाना इसलिए नहीं दिखा पाते, एक तो हमने बेल्ट लगाना बता रखा है अपने चैनल पे स्पेशल, और फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है अगर हम एक एक प्लेट आपको दिखाएंगे तो, इसलिए हम थोड़ी ही दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से हमें ये पूरी लगानी है। अब देखिए पूरे में हमने प्लेटें डाल ली हैं इसी तरीके से, यहाँ तक ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है प्लेटें लगा करके। अब इसको सीधा करेंगे, अब इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। जो हमने बेल्ट में जॉइंट किया है उसे पूरे को अच्छे से इस कपड़े को ऐसे खोल के पकड़ेंगे और पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये पूरे सलवार बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इसकी मोहरी बनाएंगे। तो ये कपड़ा लिया है हमने जो साइड से बचा था हमारा पार्ट में से, और ये हमने बुकरम कट किया है। अब बुकरम और दोनों कपड़ों को एक साथ रखेंगे और तीनों पे एक साथ सिलाई चलानी है, और जितनी सिलाई हम शुरुआत में लेंगे उतनी ही आखिर तक रखनी है इस तरीके से अच्छे से सेट करके। लगा ली है और उसके बाद ये कपड़े को लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर लेंगे, इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसको अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरीके से और एक सिलाई लगाएंगे। आप इसमें कोई भी डिजाइन बना सकती हैं। सिलाइयाँ लगा के मोहरी को बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे हमने पूरी बना के कंप्लीट कर लिया, दोनों मोहरी को हमने बना लिया इसी तरीके से। पूरा हमने बनाना इसलिए नहीं बताया, स्पेशल हमने मोहरी की वीडियो भी डाल रखी है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सादा ऐसे ही बनाया है हमने इसे। और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसे हमें खुला रखना है 6.5 इंच, एक मार्क कर लेंगे यहाँ पर। और इस सिलाई को देखिए हमें सीधा नहीं चलाना है, ऐसे हल्का इस तरीके से तिरछा इस तरीके से लेंगे, इस सिलाई को ऐसे सीधा नहीं चलाएंगे, इस तरीके से लेंगे और यहाँ से पक्का कर लेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस को एक साथ पकड़ेंगे और तब इसमें सिलाई लगानी है। से ही हमें पूरे दोनों दूसरे पैर तक सिलना है। इसी तरीके से देखिए हमको सिलते हुए चलना है। और दूसरे पैर तक भी इसी तरीके से हम सिल के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए पूरी सलवार हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से बनाइए हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आखिर तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।